नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल मिस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसी इंटरनेट कंपनी की जो आप कह सकते हैं यहाँ से कुछ लेवल्स को तोड़ती है तो गिरावट थोड़ी तेज हो सकती है, और यदि यहाँ से ये स्टॉक ऊपर जाता है तो तेजी आपको यहाँ से अच्छी खासी होती हुई दिखा दे सकती है। तो क्या है, आप कह सकते हैं इस स्टॉक में ऐसा क्यों कहा जा रहा है, लेकिन जो एनालिस्ट है दोस्तों वो बहुत ज्यादा बुलिश है स्टॉक पे। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्यों ये स्टॉक, क्योंकि देखिए आप देखेंगे पिछले अगर एक साल में अगर मैं आपको बताऊं स्टॉक काफी बड़ी गिरावट दिखा चुका है। तो यहां से 10-12% की और गिरावट यहां पे अगर होती है तो उसके बाद से दोस्तों मुझे लगता है ये स्टॉक काफी अच्छा कंटेंडर बन जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्या अच्छाई है क्या बुराई है, इन तमाम चीजों में चर्चा करेंगे। वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव बहुत एजुकेटिव ये होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूं मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। देखिए इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड, जी हाँ दोस्तों इंडिया मार्ट इंटरमेश, आप देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1% से ज्यादा की तेजी स्टॉक ने दिखाई। कितनी, 1% से ज्यादा की आपको स्टॉक ने तेजी दिखाई है। ठीक है, अगर आगे कुछ चर्चा करूं तो आप यहां पाएंगे कि एक महीने में दोस्तों स्टॉक 3% से भी ज्यादा टूटा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, कितना, 3% से भी ज्यादा टूटा हुआ है। बात करूं पिछले एक साल में 34%, जी हाँ दोस्तों 34% से ज्यादा की गिरावट है ये। कितनी, 34% से ज्यादा की गिरावट है। ठीक है, और अगर मैं आपके साथ आगे चर्चा करूं तो आप देखिए कि इंडिया मार्ट जो है 34% से ज्यादा की आपको गिरावट दिखाया है, लेकिन बहुत सारा समय यहां बिता रहा है दोस्तों। ये कहां पर, यहां पर आप ये लाइन देखें, ये इसके लिए ना एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये ट्रेंड लाइन जो है ये थोड़ी सी यहां नीचे आ गई है, लेकिन ये कौन सा लेवल आप देखें तो ये है, देखिए 4000, ये देखिए 39 के फिर ऊपर भाग गया। ठीक है, यहां टकराया फिर नीचे आया यहां पे 39, फिर यहां भाग गया। लेकिन आप समझिए जो ये 3900 है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इंडिया मार्ट इंटरमेश के लिए। ठीक है, और ये लगातार इसी रेंज में समय बिता रहा है दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये एक बॉक्स में है, निचले और ऊपरी स्तर अगर आप देखें तो आपको कुछ बहुत बड़ा ऊपर नहीं मिलेगा। आप यहां पाएंगे बहुत ज्यादा ऊपर ले जाएंगे तो 5200, वरना ये 4700 के आसपास है। यानी कि जो टोटल रेंज दोस्तों 39 to 4700 4500, ये जो 600 रुपए है ना दोस्तों, ये इसी में ट्रेड कर रहा है। क्योंकि देखिए कोई ऐसी कैटलिस्ट, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है जो स्टॉक को तेजी दिखा सके। इवन जो पिछला क्वार्टर नंबर्स है वो भी बहुत प्रोत्साहना देने वाले नहीं थे। तो यही कारण है कि स्टॉक बहुत ज्यादा ऊपर तो जा ही नहीं सकता, लेकिन नीचे आने के चांसेस बहुत कम। इसलिए दोस्तों क्योंकि कंपनी बहुत शानदार है। ठीक है, कंपनी बहुत शानदार है, और अब निवेशक जो आने वाला साल है उस समय इंडिया मार्ट को लेकर के बुलिश नहीं, बहुत बहुत ज्यादा बुलिश है। कैसे, आपको मैं यहां दिखाता हूं दोस्तों स्टॉक की चीजों पर। तो आप देखें इधर इंडिया मार्ट एंड जस्ट डायल, द टू लिस्टेड स्टॉक इन द स्पेस हैव करेक्टेड मीनिंगफुली ओवर द पास्ट वन ईयर। देखिए दो स्टॉक के नाम है, लेकिन जस्ट डायल के साथ मेरी प्रॉब्लम यह है कि जो जस्ट डायल दोस्तों, आपको पता होगा अभी अभी रिलायंस ने अपनी जो स्टेक इसमें डायल्यूट किया दोस्तों। ठीक है, और जैसी ये खबर आई थी इंडिया मार्ट के शेयर में आपको मजबूती देखने को मिली थी। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इंडिया मार्ट दोस्तों जिस तरह का बिजनेस सेट कर चुका है, जिस तरह का अपना ओवरऑल बिजनेस बना चुका है, ये बहुत ज्यादा टफ होगा जस्ट डायल के लिए। और जब वो 2% इक्विटी डाइल्यूशन हो चुकी है या कह लीजिए अपना स्टेक बेच चुके हैं, उसके बाद इंडिया मार्ट का कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। तो देखिए, ऑन द अदर हैंड स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर एंड प्राइवेट फाइनेंशियल इन्वेस्टर हैव टर्न बुलिश ऑन द स्पेस। जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर हैं, जो फाइनेंशियल प्राइवेट फाइनेंशियल इन्वेस्टर हैं, वो बहुत ज्यादा बुलिश हो चुके हैं स्टॉक में दोस्तों। और ये कह रहे हैं, इन अवर व्यू दिस डाइवर्जेंस इज अनलाइकली टू लास्ट लॉन्गर। ठीक है, वी एक्सपेक्ट बोथ इंडिया एंड जस्ट डायल टू आउट परफॉर्म ब्रॉडर मार्केट ओवर द नेक्स्ट ईयर गिवन देयर लार्ज एक्सपोजर ऑफ द फास्ट ग्रोइंग B2B ई-कॉमर्स स्पेस। देखिए ये यही कह रहे हैं कि एक तरफ तो जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर है, प्राइवेट फाइनेंशियल इन्वेस्टर है, वो बुलिश तो हो चुके हैं लेकिन स्टॉक नहीं भाग रहा है। लेकिन बहुत समय तक ऐसा नहीं चलने वाला।
आने वाला साल स्टॉक के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये जो इनका जो एक्सपोजर है इंडिया मार्ट और जस्ट डायल का, उसका जो बहुत तेज बढ़ता है B2B बिजनेस है ना, उस पे है दोस्तों। ये कहना है ICICI सिक्योरिटीज का, वी हैव बिल्ट अ प्रोप्राइटरी बॉटम अप मॉडल टू प्रिडिक्ट द ग्रोथ ऑफ E B2B स्पेस अक्रॉस डिफरेंट सब सेगमेंट्स। We estimate penetration led growth in the segment as digital penetration of B2B space is expected to increase to 2.3% in financial year 25 के अंत तक from 1.2% in financial 23 के अंत तक, ठीक है। तो ये इस तरह की दोस्तों बातें कही जा रही हैं। तो मैं कहूंगा अगर आप वाकई में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, एक ऐसे इन्वेस्टर है जो बहुत अच्छी कंपनी को ढूंढ रहे हैं दोस्तों, तो मुझे लगता है यहां पर आपका जो आप कह सकते हैं जो खोज है वो खत्म हो सकती है। बट हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा दोस्तों कि ये जो 4000 का लेवल है ना, अगर स्टॉक इसके आसपास मिलता है 100-200 ऊपर नीचे कर लीजिए, तो ये स्टॉक बहुत ज्यादा अच्छा होगा दोस्तों इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए। आप इसे SIP मोड में लेने की सोच सकते हैं, एक साथ बहुत पैसे लेने के बजाय इसे पर मंथ में निवेश करें, तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में ये आपको काफी अच्छी रिटर्न दे सकता है दोस्तों, ठीक है। और इंडिया मार्ट एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मुझे बहुत पसंद है, इवन जस्ट डायल से ज्यादा अच्छा मुझे इंडिया मार्ट लगता है दोस्तों, ठीक। लेकिन दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, प्योरली एजुकेशनल पर्पज के लिए है। आप कोई भी निवेश करें उससे पहले अपना रिस्क क्या है उसे समझें, और अगर आप खुद ही असेसमेंट नहीं कर पा रहे ठीक से तो किसी वित्तीय सलाहकार से सलाह लीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।